क्या हो अगर एक हादसा हो जाए और सरकार अपना सारा ध्यान आपको बचाने के बजाय एक फॉरेन कंपनी को बचाने में लगा दे। ये कहानी है तब की जब एक शहर के हर आदमी को मार दिया गया था। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े मैनमेड डिजास्टर की। तो भोपाल में एक पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। अब इस फैक्ट्री में 3 टैंक्स थे जिसमें पेस्टिसाइड बनाने वाला केमिकल स्टोर किया जाता था। अब इन तीनों में से एक टैंक में ज्यादा केमिकल भर देने की वजह से उसका प्रेशर बढ़ने लगा और वर्कर्स ने केमिकल निकालने के लिए उस टैंक में जब पानी भरा तो पानी उस केमिकल के साथ रिएक्ट कर गया और टैंक का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया और फिर टैंक फट गया। उस टैंक से रिलीज हुई 40 टन जहरीली गैस जो पूरे शहर में फैल गई। अब ऐसी पेस्टिसाइड फैक्ट्री में 5 सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इसमें भी थे, लेकिन इंटरेस्टिंगली 5ों में से कोई भी काम नहीं कर रहा था। गैस लीक हुई और कोई अलार्म नहीं बजा। सुबह जब अलार्म बजा तो फैक्ट्री के कई किलोमीटर के रेडियस में कोई जिंदा नहीं बचा था। The scenes are simply hellish. So much suffering from India's invisible killer. At one point an official said one death was being recorded every minute from the poison gas leak in the city of Bhopal. करीब 50,000 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन डॉक्टर्स को पता ही नहीं था कि ये गैस थी क्या, इसीलिए डॉक्टर्स भी सही से इलाज नहीं कर पा रहे थे। और हैरानी की बात बताऊं, कंपनी से जब पूछा गया कि गैस का कॉम्पोजिशन बताओ ताकि हम लोगों का इलाज कर पाएं, तो कंपनी ने बताने से मना कर दिया और कहा कि ये ट्रेड सीक्रेट है और आज तक हमें नहीं पता है कि उस गैस में आखिर था क्या। Outside, vultures devour the carcasses of animals killed by the fumes. Doctors are working around the clock at hospitals that are filled to overflowing. Government के रिकॉर्ड के हिसाब से 3700 लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स के हिसाब से 15,000 लोगों की डेथ हुई थी और करीब 5,00,000 लोग जिंदगी भर के लिए अफेक्टेड हो गए थे। एक स्टडी के हिसाब से इन लोगों में कैंसर, ब्रेन डैमेज, लिवर फेलियर, प्रीमेच्योर डेथ, ये सब आज भी प्रेवेलेंट है। अब अगर ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट होता तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता, लेकिन इस ट्रेजेडी के बाद जो सरकार ने किया वो बहुत शॉकिंग था। यूनियन कार्बाइड का सीईओ था वॉरेन एंडरसन और इस एक्सीडेंट के टाइम वो यूएसए में था। एक्सीडेंट के 5 दिन बाद वो भोपाल आया। भोपाल पुलिस ने उसे अरेस्ट कर कंपनी के गेस्ट हाउस में रखा। अब उस टाइम अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे और राजीव गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर, और इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बावजूद अर्जुन सिंह इलेक्शन रैलीज में बिजी थे। जब एंडरसन के अरेस्ट की बात फैली तो सीएम को दिल्ली से होम मिनिस्ट्री का कॉल आया और सीएम ने भोपाल पुलिस को कॉल करके एंडरसन को छोड़ देने को कहा और गवर्नमेंट ने अपना प्लेन भेज के एंडरसन को भोपाल से दिल्ली मंगाया, जहां से वो यूएसए चला गया और इंडिया वापस कभी भी नहीं आया। अब सरकार ने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता। अब यूएसए के कोर्ट्स में अलग अलग केसेस होने लगे, टोटल 145 केसेस। इन सारे केसेस को कंबाइन करके एक जगह सुना गया, लेकिन जज ने कहा इस हियरिंग का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सारे विक्टिम्स और एविडेंस इंडिया में है, इसीलिए केस भी इंडिया में चलना चाहिए। अब यहाँ इंडिया में भी अलग अलग केसेस हो रहे थे और यूनियन कार्बाइड के लिए इतने सारे केसेस अलग अलग जगह लड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट इनकी हेल्प करने के लिए एक एक्ट लेके आती है, भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट, और इस एक्ट की वजह से इंडिया की गवर्नमेंट सोल पेटिशनर बन जाती है और यूनियन कार्बाइड को एक ही केस लड़ना पड़ता है। भोपाल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड को 350 करोड़ देने को कहा, फिर केस गया हाई कोर्ट जहां वो 250 करोड़ हो गया। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल ही रहा था कि फिर सरकार ने यूनियन कार्बाइड की बहुत बड़ी मदद कर दी, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, यानी कोर्ट के बाहर $470 मिलियन में सरकार ने यूनियन कार्बाइड के साथ सेटल कर लिया, यानी सारा मामला रफा दफा, और यूनियन कार्बाइड को सभी केसेस, क्रिमिनल और सिविल, प्रेजेंट और फ्यूचर, सभी से बरी कर दिया गया। इससे पूरा देश शॉक था। विक्टिम्स की परमिशन या ओपिनियन तो दूर की बात थी, यहाँ तो विक्टिम्स को बताया भी नहीं गया कि ऐसा कुछ वो कर रहे हैं, और इस एक्ट की वजह से कोई भी कुछ नहीं कर पाया। और सुनने में कितना बड़ा नंबर लग रहा है ना, $470 मिलियन, लेकिन एक विक्टिम के हिस्से आए ₹25,000 और ये भी सभी को नहीं मिल पाए, और कंपनी उसकी तो सारी फ्यूचर लायबिलिटी खत्म हो गई थी। अब चाहे लाखों लोगों को जिंदगी भर कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, इस पूरी कहानी में जो सरकार बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल होनी चाहिए थी वो असल में फॉर द कंपनी थी।